नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टीचर डॉट इन में आप सब लोगों का स्वागत है। टुमारोज कॉल्स फॉर 21 अगस्त 2017। मुझे मंडे के लिए कॉल्स देना थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेनिंग में बिज़ी था। मैं बॉम्बे गया था ट्रेनिंग के लिए, तो मंडे के लिए कॉल मुझे जनरेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैंने आज कॉल्स जनरेट किए हैं आपके लिए। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले कि सर कॉल्स, तो मैं थोड़ा बिज़ी था तो कॉल्स नहीं दे पाया। ओके, 17 अगस्त का थोड़ा सा शॉर्ट में एनालिसिस लेता हूँ। मैं ACC जो पहला बाई का कॉल दिया था उसमें अपना SL ट्रिगर हो गया और ज़्यादा लॉस हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी लॉस हुआ है वो कवर भी हो चुका है अब। और मतलब जब ACC ओपन हुआ उसके बाद में वो पोजिशन प्रॉफिट में चला गया था, और जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट जोन में स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया था वो उनका पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। हाँ, खाली एक दो ट्रेडर्स ने थोड़ा सा उनका पोजीशन लॉस में गया जिन्होंने अपने जो रेंज में आया था उस रेंज में बाई करने के बाद। ठीक है, उसमें अपना SL आ गया। और अंबुजा सीमेंट में अच्छा प्रॉफिट बुक किया, मैंने भी किया था और बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे आए थे थैंक्स के लिए। तो 275.1 का मैंने टारगेट दिया था, दूसरा पहला टारगेट अपना आ गया और दूसरा टारगेट 20 पैसे से अचीव हुआ नहीं है। 275.10 का टारगेट नहीं आया और 274 का हाई, 274.90 का हाई लगाया मार्केट ने और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ा। और उसी टाइम पे निफ्टी भी नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखा है उस टाइम पे। और तीसरा पावर ग्रिड जो कॉल दिया था उसका पहला टारगेट 217 था और उसका टारगेट नहीं आया, लेकिन वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ है स्टॉक क्लोज होते समय इंट्राडे के लिए। और इन्फोसिस गैप अप ओपन हुआ तो उसके लिए हमने उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो अपना कमोडिटी का एक सीरीज चल रहा है, उसके वीडियो आपको मिल रहे हैं, आप उसको वॉच कीजिए। क्योंकि कमोडिटी में मैं तो पहले से ट्रेड करता हूँ कमोडिटी में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुझे सर हमें भी कमोडिटी का नॉलेज चाहिए, तो मैं कमोडिटी के वीडियोस भी बना रहा हूँ और आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। उसके बाद में अपना बेस मेटल्स का पूरा सीरीज ख़त्म हो गया है, इसके बाद में गोल्ड और सिल्वर के वीडियो बनेंगे। गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मेटल्स है तो उसे भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें अच्छा मूवमेंट होता है, अच्छा प्रॉफिट उसमें से निकल सकता है। ठीक है, तो फॉर टुमारो मैंने 4 कॉल्स निकाले हैं, तो मुझे बाय सिग्नल थोड़ा सा मिला नहीं है और मैं थोड़ा सा बाहर गया था, मंदिर गया था मैं आज। तो आज श्रावण का लास्ट डे है तो मैं मंदिर गया था और अभी मैं घर पहुँचा और आते ही आपके लिए कॉल जनरेट किया है मैंने। एक्सिस बैंक कैंडलस्टिक पैटर्न पे लिया हुआ कॉल है और वॉल्यूम के ऊपर लिया हुआ कॉल है, इसमें थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ एक्सिस बैंक के ऊपर, लेकिन फिर भी इसका मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए और अपना पोजीशन अगर प्रॉफिट जोन में जा रहा है तो आप उसको क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी निफ्टी तो है तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी यहाँ से ऊपर आएगा, तो निफ्टी अभी कल 9700 तक जाने की संभावना है। निफ्टी पे भी अगर आप ट्रेड करते हो या फिर कॉल पुट में ट्रेड करते हो तो निफ्टी का 9700 का पुट या फिर 9750 का पुट भी आप ट्रेड कर सकते हो कल के लिए। तो कॉल पुट के कॉल्स मैं देता नहीं हूँ क्योंकि उसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा है और मेरे जो व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादातर नए हैं तो उनको ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में। तो उसके बारे में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे कॉल पुट पर भी और ऑप्शंस क्या है इसके बारे में, फ्यूचर्स में भी हम वीडियो बनाएंगे। तो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, नए सब्सक्राइबर, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कैश मार्केट को अच्छी तरह से समझ लें और उसमें छोटे छोटे क्वांटिटी में पहले सीख लें। ठीक है, तो एक्सिस बैंक अभी करंट क्लोजिंग दिया है एक्सिस बैंक 494 के आसपास, 494.80। तो कल आपको एक्सिस बैंक बाइंग करना है। बाइंग का रेंज मैं आपको बता देता हूँ, 490 से लेकर 488 तक आप इसको बाई कर सकते हैं। आपको SL में दे रहा हूँ 482 का, या फिर 481 से लेकर 482 के बीच में आप इसको SL रख सकते हैं। इसका पहला टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 500 का और दूसरा टारगेट है 503 का। तो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, ये बड़ा टारगेट थोड़ा सा पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन, मेरा जो भी कॉल निकालने का स्टाइल है तो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैंने कॉल लिया हुआ है। और दूसरा कॉल है टेक महिंद्रा, इसमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। टेक महिंद्रा अभी करंटली क्लोज हुआ है 431.10 के आसपास, इसको आपको बाई करना है अराउंड 426 से लेकर 428 तक, इसी रेंज में आप इसको बाई करिए। तो आपको पहला टारगेट मैं दे रहा हूँ 435 का और दूसरा टारगेट है 437 का। हालांकि पहला टारगेट मार्केट में कल अचीव हो सकता है और निफ्टी जो है कि वो नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो बाई कॉल्स में टारगेट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप कम क्वांटिटी में बाई कॉल्स पर ट्रेड करिए और इसका SL मैं आपको बता रहा हूँ 424 का। ठीक है, और तीसरा जो कॉल है भेल, इसको सेल करना है और एक ही सिंगल टारगेट मैंने इसको निकाला है। इसका
करंट प्राइस है 124.60, मतलब 125 के आसपास इसको आपको सेल करना है, या फिर मार्केट ओपन होते ही आप इसको 124 के आसपास ही सेल करना है, ठीक है। इसका SL 128 है और इसका मैं एक ही टारगेट आपको बता रहा हूँ, 122.40, 122.40। तो ये अपना एक ही टारगेट है। मान लो अगर ये स्टॉक 123 के आसपास खुलेगा तब भी आप इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये गैप डाउन होगा तो आप थोड़ा सा वेट करिए सेल करने के लिए, और हायर लेवल पे अगर आपको मिलता है तो आप इसको सेल करिए। मान लो अगर ये 122 के आसपास खुल गया तो पहले ही टारगेट अचीव हो जाएगा, तो आप इसको अवॉइड करिए। तीसरा जो कॉल है, मतलब लास्ट कॉल है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको आपको सेल करना है। इसका करंट क्लोजिंग है 142 के आसपास ये स्टॉक क्लोजिंग दिया है, तो इसमें आपको 142 या फिर 143 के आसपास इसको सेल करना है। इसको मैं SL दे रहा हूँ 146 का, और इसका पहला टारगेट है 140 का और दूसरा है 138 का, ठीक है। तो ये है टुमारोज कॉल्स। तो सब्सक्राइब, जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और अपना जो भी चैनल है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं नॉलेज बहुत ही बांट रहा हूँ, मेरा जो भी नॉलेज है उसमें बहुत सारे लोगों को कॉल्स भी दे रहा हूँ, और मेरे कॉल्स फ्री है, ना कि मैं एडवाइज़र हूँ, मैं एडवाइज़र के पैसे नहीं लेता हूँ, और मेरे सारे के सारे कॉल्स फ्री है, ठीक है। तो आप ये कॉल्स भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं कल क्रिकेट के लिए।